राहु बदलेंगे राशि तो बदल जाएगी तुला राशि वालों की दुनिया। आपको बता दूं राहु करने जा रहे हैं महाराशि परिवर्तन, मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 2025 तक मई में जो है राहु इसी अवस्था में रहते हुए तुला राशि को रंग से राजा बनाने का सफर का जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दूं राहु ग्रह जो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो मायावी ग्रह माने जाते हैं, पापी ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं। जब भी अशुभ स्थिति में होते हैं तो इंसान को क्रोधी, लालची और सब कुछ मानसिक शारीरिक तरह के रोग ग्रस्त से इन आदमी को बिल्कुल मिट्टी मिला देते हैं, उसे ऊंचाइयों से बिल्कुल नीचाई पर लाकर डाल देते हैं ताकि वो उठने की कोशिश भी करे तब भी उसे ठोकर मारकर नीचे गिराने का काम राहु महाशय करते हैं। जब बनते काम बिगड़ने लग जाए, मेहनत करने के बावजूद भी फल ना मिले तो समझ लीजिए कि राहु महाशय आपकी कुंडली में कुंडली मारकर बैठ चुके हैं। ऐसा ही कुछ राहु जो हैं तुला राशि के सभी जातक और जातिकाओं के साथ ये अनहोनी घटनाएं घट रही थी इतने सालों से। दोस्तों आपके जीवन में जितनी भी अनहोनी घटनाएं ये घट रही हैं, खून के आंसू तक रुहाया है राहु महाशय ने। जीवन से प्रेम समाप्त कर दिया, जीवन से धन समाप्त कर दिया, आपके जीवन से जो है प्रेम समाप्त कर दिया, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिट्टी मिला दी, दुनिया भर के आपके चरित्र पर उंगलियां उठी, इस तरह की जितनी भी परेशानियां आपको घेर रही थी ये सिर्फ राहु महाशय, क्योंकि राहु महाशय आपकी कुंडली में अशुभ स्थान पर बैठे थे इतने साल से और आपको कर रहे थे परेशान दोस्तों। तो अब आपके जो बनते काम बिगड़ रहे थे अब वो बिगड़ते काम बनेंगे। राहु जाते जाते इतनी बड़ी सौगात आपको देने जा रहे हैं दोस्तों कि अब आपकी खुशियों का हुआ आगाज़ और दुखों का होगा अंत। इस महाविश्लेषण को ध्यान से सुनिए। सभी तुला राशि के जातक और जातिकाओं से अनुरोध है दोस्तों, इस महाविश्लेषण को समझिए और अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर की तरफ अग्रसर करने के लिए हम आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। आपको बता दूं 30 अक्टूबर के बाद तुला राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपके लिए गुरु शनि और राहु की दशा से जो गुरु चंडाल दोष बना हुआ था, जो आपको शारीरिक मानसिक रोग प्रताड़नाएं दे रहा था, वो भी 30 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुल मिलाकर एक कहते हैं ना कि वो अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, तो बिल्कुल सेम चीज़ें आपके साथ अब होने वाली हैं। तुला राशि गुरु देखेंगे आपके 11वें भाव को, यानी आपकी तमाम तरह की इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, आय में वृद्धि होगी, कर्म का बढ़िया फल मिलने लग जाएगा। यानी जो सत्कर्म आप कर रहे थे उनका फल राहु महाशय आपको नहीं लेने दे रहे थे तो अब आपको ही मिलेगा। राहु महाशय हट चुके हैं, गुरु सीधा चंद्रमा को देखेंगे। पहले केतु जो हैं आपके चंद्रमा को डिस्टर्ब करके आपकी मानसिक परेशानियां दे रहे थे, आपके प्रेमी रूप जीवन में जो हैं बाधाएं ला रहे थे। ऐसे में अगर आप किसी केस में फंसे हुए तो आपको उसमें राहत मिलने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही तमाम तरह की परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, जीवन में खुशियों का आगाज़ होने वाला है। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है दोस्तों, अब 30 अक्टूबर के बाद राहु महाशय आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। आपकी कुंडली में हो चुके हैं शुभ। राहु 9वें स्थान में बैठकर कर्म के स्थान को एक्टिवेट कर देंगे, यानी प्रमोशन मिलेगा। राहु देखेंगे दूसरे भाव को, पहली जॉब दूसरे भाव से आती है, नई जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, विदेश जाने का योग बनेगा। केतु 12वें भाव में होंगे, यह गोचर शुभ माना जाएगा। इसके साथ ही आपके जीवन में प्रॉपर्टी, वाहन की खरीदारी जो है उसके शुभ संयोग बन चुके हैं 30 अक्टूबर के बाद। दोस्तों आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा, एक अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। तुला राशि वालों के जो सिंगल जातक हैं उनको इस अवधि में विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, मनचाहा विवाह हो सकता है, आपको आपके मन मुताबिक लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेमी आपकी हर बात मानेगा, आपकी तरफ आपके कदमों में होगा, उनसे विवाह होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। शादीशुदा लोग हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी, आय के नए साधन बनेंगे, रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा दोस्तों। और जो अब आप किसी लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, या आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, या फिर आप किसी जॉब के लिए परेशान थे, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो तमाम तरह की परेशानियाँ जो हैं राहु महाशय की वजह से आपको असफलता का मुख देखना पड़ रहा था दोस्तों, तो अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो निश्चिंत होकर ईश्वर पर भरोसा कर दोस्तों अपने काम को एक्टिवेट कर दीजिए, अपनी मेहनत को दोबारा शुरू कर दीजिए। आपकी मेहनत को बल प्रदान करेंगे गुरु शनि और राहु की जोड़ी। अब कर रही थी आपके कामों को बिगाड़ रहे थे, लेकिन अब शुरू हो जाएंगी इनके शुभ प्रभाव आपके जीवन में। ये अद्भुत परिवर्तन दोस्तों 18 महीने तक आपके जीवन में रहने वाला, उसके बाद भी ये परिवर्तन रहेगा, लेकिन अत्यधिक शुभ जो माना जा रहा है ये 18 महीने 2025 मई तक का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपको रंग से राजा बनाने का यह समय
आगाज शुरू हो चुका है। आपकी मेहनत रंग लाएंगी, आपका करियर बुलंदियों पर होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा खोया हुआ सम्मान आपको पुनः वापस मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि ये छाप कभी नहीं छूटेगी। दोस्तों आपके मान सम्मान अपनी प्रतिष्ठा की जो एक रोशनी है आप चारों तरफ फैला देंगे। दोस्तों तुला राशि के जीवन में खुशियों का आगाज़ हो जाएगा, तमाम तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके लिए एक स्पेशल टिप्स है दोस्तों कि आपके लिए आपके जो गुरु हैं शुक्र गुरु हैं आपकी ग्रह के आपकी राशि के, तो अपने शुक्र को हमेशा बलवान रखेंगे तो आपके जीवन में ना तो प्रेम की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, ना लग्जरियस लाइफ की कमी होगी, ना मान सम्मान की कमी होगी। तो उसके लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए, हल्के गुलाबी या फिर सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण कीजिए, सुगंधित परफ्यूम लगाइए। साथ ही इसके साथ आपके लिए वास्तु टिप्स ये हैं कि आप चांदी की चीज़ें ज़्यादा धारण करके रखिए, या तो चांदी का कड़ा अपने हाथ में, चांदी की रिंग, चांदी की चैन, इस तरह की चीज़ें अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो शुक्र आपका बलवान होगा, क्योंकि वो आपके गुरु हैं तो आपको रंग से राजा बनाने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो अपने गुरु को